सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए मुश्किल है। इस समय हम खड़े हैं अवध इलाके में और यहाँ पर शहर हो या गांव, बहुत करारी चुनौती मिल रही है भाजपा को, योगी और मोदी सरकार के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को। यह जानने के लिए हमने रुख किया गांव की तरफ और यहाँ इस गांव में सैरपुर पूरब का गांव है जहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर योगी आदित्यनाथ अपनी सभा में लगातार हिंदू मुसलमान और ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, दंगों की बात कर रहे थे, लेकिन ज़मीन पर जाकर देख के लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशु का है, महंगाई का है, नौजवानों के लिए अच्छे भविष्य का है और नौकरी का है, जिसके बारे में पिछले 5 सालों में शायद ही कोई प्रगति सरकार ने की हो। मैं विकास की बात में, हम तो सबकी बात करेंगे, जो विकास करेगा उसी की फेवर जनता करेगी। और विकास में इन्होंने जैसे बता रहे कि विकास हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ कि आज इसके पहले गैस जो 500 की थी 1000 रुपये की गैस हो गई है। पेट्रोल का दाम जो 60 रुपये था, 75 रुपये था, वो सीधा 100 को पार कर गया है। इसको कहा हम क्यों नहीं कहेंगे भाई ये महंगाई है? ये जनता बता दे कौन नहीं इसमें परेशान है जूझा हुआ। जो सब्जी बेचते हैं, जो मजदूर है, इनकी मजदूरी कहाँ बढ़ी? कोई बिल्कुल नहीं बढ़ी मजदूरी, सब जहाँ तहाँ पर ही ना। मुद्दा हमारे पास जो है तो हो गया है, धारा 370 हट गई है। नहीं, उससे इस गाँव को क्या हुआ? हमारे हम अपने गाँव में हमारी जनता खुश है, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, हमारी जनता खुश है। आप भाजपा से प्रधान हैं? हाँ जी। अभी तो काफ़ी बेरोजगारी का भी मुद्दा है, काफ़ी छात्र नौकरी का मुद्दा बना रहे थे, यहाँ नहीं है? हाँ, यहाँ नहीं कुछ, यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है, योगी सरकार में सब अच्छा चल रहा है। वापस आ रहे हैं योगी जी? बिल्कुल आएंगे। राम मंदिर बन रहा है, जिन्होंने किसी ने ख्याल नहीं किया, इसका ध्यान नहीं दिया है। राम मंदिर हमारा बन रहा, धारा 370 कश्मीर से हटी है। आप तो चुनावी भाषण दे रहे हैं सर। हाँ। हम तो आपसे इलाके की बात कर रहे हैं, लोगों की मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमारे इलाके की हम जितना हमसे हो सकेगा जनता के लिए अपना करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कोई विरोध है नहीं आपका? कोई विरोध नहीं है। जो हवा चल रही है राम मंदिर की, तो उस पर हम तो कहते हैं किसी को नहीं जाना चाहिए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब उस चीज़ से जो हमारी गरीबों को, मजदूरों को, जैसे सब्जी बेचते ठेला वाले, इनको सबके प्रति में, किसानों को इनके प्रति में, जैसे गैस रसोई है इसको सबको, पेट्रोल को, ये सब चीज़ें सस्ती करे, हम उस पर मतलब इग्री हैं। राम मंदिर में यहाँ फायदा उनका हो रहा है, उनके नौ वोट मांग रहे हैं, जनता का फायदा हो रहा है। जनता तो राम मंदिर जाते हैं आस्था लेके, वहाँ पैसा चढ़ावो दे और फायदा तो इनका सरकार हो रहा है, वो एक नाम से वोट मांग रहे हैं, है ना, जनता का फायदा है मंदिर से। नहीं, तो आपको लगता नहीं कि मंदिर का कार्ड चलेगा? नहीं, मंदिर कार्ड नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और विकास, यही चुनाव का मुद्दा है। सर, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पिछले 5 सालों में बहुत तनख्वाह बढ़ी है, काफ़ी जीना आसान हुआ है, आपके जीवन में क्या क्या अंतर आया? हमारे जीवन में अंतर ये आया कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से नोटबंदी शुरू हुई, तो 3 कंपनियां हम पायदान के नीचे आ गए, तीसरी कंपनी है जो लो, आदमी आगे बढ़ता है और हम लो पोजीशन पे उस कंपनी में आज अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई? बहुत ज़्यादा। लेकिन तब भी लोग महंगाई पर क्यों नहीं बात करते? लोग कहते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर मुद्दा है। अब महंगाई तो अब जनता तो परेशान है, अब कोई सुनने वाला तो हो, कोई सरकार आवे, अखिलेश भैया आवे, जो समस्याओं को समझते हैं वही सुनेंगे, आएंगे अब की बार। आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, जितनी गरीब जनता है वो खुश रहेगी, और जो लोग अफवाहें उड़ाते रहते हैं, बहुत से लोग गुंडा ये सब कुछ नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। जैसे पहले था वैसे आज भी है और कल इससे ज़्यादा अच्छा होगा। फ़ायदा उसी को होगा जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्या फ़ायदा होगा? आपके मान लीजिए 50 बीघा ज़मीन है तो आपको तो फ़ायदा होगा, गेहूं होगा, घर के खेती है, तो कोई टेंशन। अब जो मजदूर है 300 रुपये कमा के आएगा, उसको शाम को बीवी बच्चों के खर्च में ही ख़त्म हो जाएगा और कम पड़ जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि सब लोग कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी पैसा भी बहुत बढ़ गया, तनख्वाह बहुत बढ़ गई, आपकी आय कितनी बढ़ी है? हमारी आय कुछ नहीं बढ़ी है, वो तो जितने का खरीदेंगे उतना का 2 रुपये बढ़ा बेच लेंगे, बस बनने वाली बात ही नहीं है। नहीं, आप तो मूंगफली बेच रहे हैं ना, तो कुछ फायदा तो हो रहा होगा आपको? इसमें ज्यादा आपके फायदा कुछ नहीं है,
पहले फायदा था अब नहीं फायदा है। हर चीज पहले फ्री मिलती थी, आज भी फ्री मिलती है, लेकिन उसको गिनाया जाता है कि हमारी सरकार ने ये गिनाया किया, लेकिन पहले की सरकार एहसान नहीं जताती थी करके। जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारी चुनौती मिली है, उसके बाद अवध जीतना उसके लिए बहुत जरूरी है। अवध उसका परंपरागत गढ़ रहा है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह भाजपा के लिए इस अवध की पूरी पट्टी में शुभ नहीं है। मेरी समझ तो ये है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके खिलाफ ये डबल एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव है, और एक अंडर करेंट है बदलाव की। तो जाहिरा तौर पर अगर ये करंट है तो ये कोई एरिया स्पेसिफिक या कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं है, कम या ज़्यादा पूरे प्रदेश में इसका असर है। मतलब आप कहना चाहते हैं ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया था तो उसका तो एक बहुत ठोस जातिगत आधार भी था कि जाट नाराज थे, किसान आंदोलन था, लेकिन जो ये अवध की बेल्ट है यहाँ क्या टिगर, कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने टिगर किया ये? इसमें मैं ये कह रहा था कि जो पश्चिम में भी किसान के रूप में या जातिगत जो अलग तरह के समीकरण दिखे, उन सब के अंडरलाइंग जो चीज़ थी वो थी जनता की नाराज़गी। जिस तरह से मोदी और योगी दोनों ने मिल करके पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है, रोजी रोटी महंगाई जीना लोगों के लिए मुहाल हुआ है, ये वो चीज़ थी जिस पर सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने किया था, बनाया था पहले, वो ध्वस्त हुई है। नाराजी का मोदी जी का पहले सब तो पिछली बार वोट देवे की ही ना है, मगर अभी जानवर जो गैया हैं, जानवर सभी छूटे हैं, नुकसान सबका होते है, खेत में लेटे रहते हैं, चढ़ जाते हैं, इसलिए जो है नाराजी है बस। तो क्या लगता है योगी जी की क्या विफलता रही कि लोग, आप जैसा बता रहे हैं गाँव में, लेकिन बाकी जातियों का क्या हिसाब है आपके यहाँ? जी हमारे इधर सारी जातियाँ सब एक हैं इस समय, और ब्राह्मण ब्राह्मण कुछ तादाद में इधर उधर हैं, नहीं वो भी आ गए हैं सब। लेकिन यादव में 40% तो करीब गए थे मोदी जी के साथ पिछली बार। जी पिछली बार गए थे क्योंकि उस समय हर व्यक्ति के मन में मोदी बसे थे, लेकिन इस बार मोदी का सफाया हो गया सब 5 साल में। जी हाँ 5 साल में हमारे यहाँ मोदी का सफाया, वैसे भी हमारे यहाँ सीट सपा की ही निकली थी, और इस बार भी इस बार अच्छी वोटों से पर जीत होगी। 5 साल में एक भी कंपनी नहीं लगवाया, अखिलेश ने कम से कम SCL तो लगाई, कम से कम 10-15 हज़ार आदमी तो काम कर रहा है उसमें। लेकिन ये बताइए कि योगी जी ने 80 बनाम 20 जी का मुद्दा उठाया, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया, तो क्या इस बार ये कार्ड चलेगा नहीं क्या? जी नहीं, हमारे इधर तो नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। हम लोग पूरे गाँव के मौर्या भी हैं, विश्वकर्मा भी हैं, सब लोग सब साथ में हैं। तो ऐसा तो इस चुनाव में हुआ होगा, 17 में भी नहीं था। इस चुनाव में हुआ, 17 में भी नहीं था और 19 में भी नहीं था, सब मौर्या और सब लोग थे उन्हीं के साथ थे। यादव भी 40% था इस बार नहीं। यही वो इलाका है जिसमें उन्नाव भी है, इसी अवध बेल्ट में। उन्नाव की उस महिला के साथ जो घटना हुई भाजपा के विधायक के द्वारा, वो भाजपा का विधायक आज रिहा हो गया, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसका भी असर दिखेगा। और दलित समुदाय की एक बहुत बड़ी आबादी इस इलाके में रहती है, अवध के ग्रामीण इलाके में, जो पिछले दिनों कुछ खास परिस्थितियों में भाजपा के साथ लोग चले गए थे, लेकिन उसकी बड़ी शिफ्टिंग भाजपा से वो हिस्सा अलग हो रहा है, उसका बड़ा हिस्सा अलग हो रहा है, तो उसका भी असर दिखेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अवध का इलाका है, जो अदरवाइज भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है, वो इन कारणों से अब की बार उसमें बहुत सीरियस उसमें दरार पड़ जाएगी, वो लीड यहाँ पर नहीं ले पाएंगे अब की बार। तो लेकिन लोग सरकार को क्यों नहीं सबक, अगर मान लीजिए जो गरीब है जी, जिसको नौकरी नहीं मिली, जिसको मदद नहीं मिली जी, वो सरकार को सबक कैसे सिखाएगा? अगर उसी सरकार को हम चुन लेंगे तो सबक कैसे सीखेंगे? जी सरकार के आगे आज तक कोई नहीं जीत पाया है। सरकार तो जनता ही बदलती है, ये बात सही है। सरकार तभी है, तभी तो हम लोग को मौका मिला सरकार दोबारा चेंज करने का। तो इसलिए यही हम लोग का जितना भी हमारा ग्रुप है ये, कि अब बस ये सरकार ना आए।
मुझे नहीं लग रहा है कि महिलाएं योगी सरकार योगी को फिर से लाने जा रही हैं, क्योंकि कई सारे सवाल उनके जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं ना। उसमें जैसे इन्होंने कहा कि भाई हमने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दे दिया, हमसे महिला कह रही थी कि बताइए 1000 का आ रहा है, हम कैसे भरवा सकते हैं, हमको तो काम ही नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से राशन खरीद के लाएं, हमारे बच्चे घर पर बैठे, हम उनको ट्यूशन नहीं करवा पा रहे हैं, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, तो 1000 का सिलेंडर कहाँ से भरवाएंगे। तो ये जो बेसिक सवाल है वो, और उससे भी ख़राब मैं आपको बताऊं कि मैं अतरिया गांव में गई थी जो मुस्लिम बहुल गांव है, इतना बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं। मोदी जी अभी संसद जब चल रही थी उन्होंने कहा कि हमने सारे गरीबों को लखपति बना दिया है। 70 साल के आसपास की दो महिलाएं मुझसे बात करते हुए वो रो रही थीं, वो दोनों विधवा थीं और उनको पेंशन तक नहीं मिल रही है और राशन भी नहीं मिल रहा है। आवाज़ की तो बहुत बड़ी बात है, उस बड़ा सा गांव में एक भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला था, उज्ज्वला योजना नहीं मिली थी। हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है इस समय, इस वजह से राशन भी मुझे नहीं मिलता, मैं तो ब्लैक में राशन खरीदती हूँ फिलहाल, और बाकी ना जो मेरे मैं किराए पर रहती हूँ। ये यहाँ पे पुराना किला है, पुराने किले में यहाँ पे किसी के पास भी जितने सारे मकान देख रहे हैं या आप लोग किसी की रजिस्ट्री नहीं है, ठीक है, और मैं रहती हूँ किराए पर रहती हूँ। तो मैम मुझे आज तक मतलब कि काफ़ी कम घर का वो हुआ, योजना निकली लेकिन आज तक कभी घर भी नहीं मिला है। तो ये इनकी हकीकत है, वो ऊपर ऊपर दिखा देने से क्या होगा, जनता तो भुक्तभोगी है ना। पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत कड़ी चुनौती योगी सरकार और मोदी सरकार के प्रचार को मिल रही है, जिसकी थाप बहुत कम नेशनल या कॉरपोरेट मीडिया में है। सवाल सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली किसान आंदोलन से चुनौती का ही नहीं है। हमने देखा कि अवध के क्षेत्र में जहां भाजपा का बहुत मजबूत गढ़ रहा है, वहां पर दरार बहुत तगड़ी है और जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो लोगों की परेशानियाँ हैं, वह बहुत मुखर हैं, चाहे वो आवारा पशु का मामला हो या फिर बेरोजगारी और महंगाई का। यह लोगों के जीवन को तबाह कर रहा है और लोग मुखर होकर इस पर न सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि वोट देने का भी मन बना रहे हैं।